अलग रखना चाहिए। झोपड़पट्टी वाले कहाँ से लाएंगे इतना फीस? हम लोग चाहते हैं कि ये स्कूल चालू रहे। खाली स्कूल चाहिए यहाँ, हमारे बच्चे यहीं पे शिक्षित हो, हमको इंग्लिश मीडियम का ही स्कूल चाहिए। नवीन भाई के तुरबे झोपड़पट्टी में एक स्कूल चलता है रोज बट्स, और उसके खिलाफ शिकायत की गई है कि वो इलीगल तरीके से चला जाए। हालांकि झोपड़पट्टी के सैकड़ों बच्चे, गरीब बच्चे उसमें इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिकायत की गई अगर ये स्कूल बंद होता है तो कितनी तकलीफ उन्हें होगी। बहुत सारी तकलीफें आती हैं। पहली बात तो यहाँ पे हम कम फीस दे रहे हैं, दूसरी बात वासी जाने के लिए बच्चों को हमको वहाँ रोड पार करने में बहुत तकलीफ हो रही, तीसरी बात तो डब्बा बनाओ, लंच बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर की तकलीफें आती हैं। और यहाँ अगर हमारा स्कूल है तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है, और हम कुछ नहीं चाहते, हमको खाली स्कूल चाहिए यहाँ, हमारे बच्चे यहीं पे शिक्षित हो, हमको इंग्लिश मीडियम का ही स्कूल चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बोला इतना जबरदस्त पढ़ते शाला चांगला उल्टा इतना नवीन शाला के लिए इंग्लिश मीडियम की आप चांगला है, गोरगरीबांना गोरगरिबांसाठी चांगलं आहे ते। काही काहींची ऐपत पण नाही की पैसे भराव, फी भरावी, एवढे पैसे पण नाही आहेत कोणाकडं, त्यांच्यासाठी तरी सुविधा जी उघडली चालू केली ती चांगली आहे। इंग्लिश क्या आप आपका भी बच्चा उसे पढ़ता है, क्या तकलीफ होगी? झोपड़पट्टी वाले कहाँ से लाएंगे इतना फीस? और हम लोग चाहते हैं कि ये स्कूल चालू रहे, हम रोड पार करके नहीं जा सकते, मतलब फैमिली हम लोग काम धंधा करने वाले इंसान हैं, और क्या कहते हैं ये टीचर लोग इतना हमारी मदद करती हैं, फीस कम लेती हैं। जैसा कि आपने पेरेंट्स से सुना कि तुरबे स्टोर में या खासकर इस स्लम इलाके में कोई भी ऐसा इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि यहीं पर स्कूल हो। हालांकि इसके खिलाफ जो बंद करने की साजिश चल रही है कि अगर ये बंद होता है तो निश्चित तौर पर सड़क पार करके वासी इलाके में उनको जाना पड़ेगा, ना तो इतना पैसा वो खर्च कर सकते हैं ना इतना समय है, क्योंकि सब लोग कामकाजी लोग हैं, मेहनत करते हैं और अपनी कमाई करते हैं और परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस वक्त जो रोज बट स्कूल है उसको, उसकी संचालिका हमारे साथ है, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आरोप लगा है कि ये विद्यालय इलीगल तरीके से चलाया जाता है, अवैध तरीके से चलाया जाता है महानगर पालिका के प्रमाइसिस में, क्या कहना है मैडम, क्या क्या जो शिकायत की गई उसे कितना आप सही मानते हैं? आई बिलीव दैट ये जो एलिगेशन है इट इज़ प्योरली बेसलेस। इसमें कोई भी किसी भी व्यक्ति से, आप हमारे तुरबे स्टोर एरिया से या कोई भी जो स्टोर के जो भी एरिया अथॉरिटी है, किसी से भी आप अगर पूछेंगे तो सभी यही कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत बात हो रहा है, बिकॉज आवर स्कूल इज रिलेटिवली अ न्यू स्कूल एंड वी आर ट्राइंग, हमारे तरफ से पूरी कोशिश है कि शाला रजिस्टर हो जाए। The procedure is nearing to closure, I would say, except for the case with the land or the area. The land issue is the only pending part which has to be covered up. हमारा procedure चालू है school registration का। अगर ये बंद होता है तो तकलीफ कितनी होगी यहाँ के slum के बच्चों को? क्या कोई दूसरा English medium school यहाँ पर मौजूद है क्या? See, initially जब हमने start किया था school, we had started free of cost for all the children. हमने social work जैसे start किया था, फिर बाद में तभी हमारे पास एक टीचर एक मौसी थी, और वी वांटेड लाइक जूनियर केजी, सीनियर केजी एंड नर्सरी थ्री क्लासेस वर देयर, एंड दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ रनिंग द स्कूल वाज वेरी लो, एंड देन ऐसे हमारे को सुनने को आया द अथॉरिटीज फेल्ट कि जब फीस हम चार्ज करते हैं तो ऐसे लगता है कि इट इज़ समथिंग इलीगल, देर इज़ नथिंग इलीगल और रॉन्ग इन दैट, बिकॉज वी स्टार्टेड चार्जिंग अ नॉमिनल 100 रुपीज़, बाद में 2 साल के बाद 100 रुपीज़ चार्ज करने लगे क्योंकि टीचर्स बढ़ने लगे, टीचर कोई खारगर से आते हैं, कोई नेहरूल से आता है, तो वो जब घर छोड़ के आते हैं कुछ तो उनको सैलरी नॉमिनल देना होता है, जो कि हम पेरेंट्स बच्चों से कलेक्ट करके दैट इज़ यूज फॉर रनिंग द स्कूल। और 200-300 रुपया में कोई स्कूल आजकल चलना इज आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है कि हर बच्चा पढ़े, राइट टू एजुकेशन ऑलरेडी कानून लागू है, और आप उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है इंग्लिश में और इसका विरोध हो रहा है, क्या कहेंगे? आई थिंक एजुकेशन अलग और पॉलिटिक्स अलग रखना चाहिए, बिकॉज आज के तारीख में कोई भी पॉलिटिशियन बन जाता है, आई मीन इट इज़ नॉट नेसेसरी दे हैव टू बी एडुकेटेड,
ओके, बट एजुकेशन इज समथिंग विच इज एंटायरली डिफरेंट. इसको पॉलिटिक्स में मिक्स करना नहीं है. जिन्होंने भी हमारे टीचर्स को गुस्सा किया है, आके पत्थर फेंकेंगे, बंद करवा देंगे, आई थिंक इट इज सेंसलेस. वो बिल्कुल भी एकदम सेंसलेस बात है, बेसलेस बात है. हम चोरी डाका नहीं डाल रहे हैं, वी आर एजुकेटिंग चिल्ड्रेन, वी आर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. इट इज अ गुड थिंग दैट वी आर डूइंग. सो पीपल शुड एनकरेज एंड सपोर्ट सच अ स्कूल, नॉट प्लेस बेसलेस एलिगेशन ऑन सच अ स्कूल. आप कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सवार है, बिल्कुल सही बात है कि स्लम इलाके में अंग्रेजी पढ़ाना अपने आप में बड़ी चुनौती का काम, क्योंकि महानगर पालिका के विद्यालय आज तक इंग्लिश के नहीं खुले हैं, और ऐसे में अगर रोजबर्ड स्कूल बच्चों को शिक्षित कर रहा है तो एक बड़ी पहल है. आप इस स्कूल को सपोर्ट करते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो ये आरोप लग रहे हैं वो कितने जायज आपको लग रहे हैं, और कहीं लगता है आपको कि राजनीतिक कारणों से एक अच्छे मिशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए सर, यहाँ पर जो तुरबा स्टोर में जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में जो अंग्रेजी स्कूल चालू की, वो 7-8 साल हुआ इस बात को. तो इसके पहले जब स्कूल चालू हुआ तो जिन्होंने अभी मतलब जो कंप्लेंट की या इसके विरोध में गए उनके भी कुछ रिलेटिव बच्चे वही स्कूल में मैंने खुद एडमिशन करवाया. उस टाइम में उनको ये अनलीगली नहीं लगी. आज जब विरोध में महानगर पालिका का इलेक्शन आया है, इसको सब जन सपोर्ट कर रहे लोग, तो इस सपोर्ट को कैसा तो मैं इनको इसके इनको विरोध में जाके लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींच लूँ और लोगों का ध्यान खींच के मैं इलेक्शन में लड़ लूँ, तो ये सोच जो है उनकी वो गंदी सोच है. मैं तो ये कहूँगा कि जब तक उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे, अब वो आगे आगे पढ़ने गए, मतलब सेंट मेरी में गए, तब तक तो ये स्कूल अनलीगली नहीं लगी, मगर अब उनको ये स्कूल अनलीगली लगी है, ये गलत बात है. और रही दूसरी बात, कोई भी संस्था जब लीगली करने के लिए कुछ ना कुछ तो बच्चे पढ़ाए दिखना चाहिए, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, तो वो प्रोसेस में है. अगर ये स्लम इलाके में इस तरह से इंग्लिश विद्यालय ना हो तो कितनी तकलीफ होगी, कितना मुश्किल होगा स्लम के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना. देखो यहाँ पर मेरा बचपना गया, जवानी गई, अभी मैं भी 55 साल का हूँ. मैंने पूरी जिंदगी मेरी यहाँ तुरबा स्टोर में गई है. अब आप उस एक जमाना था कि यहाँ पर स्कूल तो था नहीं, और आज कुछ राजकीय लोगों को जो जिसका जिनका एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा प्यार है, जैसे कि कुलकर्णी साहब ने यहाँ पर स्कूल मराठी स्कूल के माध्यम से 10वीं तक स्कूल बनवाया, बाद में उन्होंने सोचा हिंदी माध्यम भी चाहिए तो हिंदी माध्यम भी बनाया, उसको भी 10वीं तक स्कूल पढ़ रहे. अभी वो जमाने में हम लोग तुरबा गाँव जाते थे पढ़ने के लिए, तो यहाँ से जाते थे तो पूरा जंगल रहता था. आज यहाँ पर के जो लोग हैं इनकी इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं है कि उनको वासी एरिया में लेके जाके अपने बच्चों को पढ़ाए, उतनी फीस या फिर उनका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन में उनको सब शामिल कराए, तो ये सब नहीं कर सकते. और जब यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो आगे आके पढ़ा रही है, और ये मैडम भी यहाँ पर उनको अच्छा शिक्षित कर रही है, तो ये अगर होगा तो इन बच्चों के लिए और इनके माँ बाप के लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी. ये बहुत दिक्कत आ जाएगी. जो गरीब बच्चे हैं उनकी इंग्लिश की पढ़ाई जो है बाधित हो सकती है. इस पूरे विद्यालय को मोरल सपोर्ट करने वाले और तुरबे स्टोर के जो झोपड़पट्टी के रहवासी हैं उनके बच्चों का शिक्षण बेहतरीन हो, उनका भविष्य अच्छा बने, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं सुरेश कुलकर्णी साहब, शिवसेना के नेता. उन्हीं से जानने की हम कोशिश करते हैं ये जो पूरा विवाद पैदा हुआ है इसके पीछे की क्या वजह है, और कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि स्लम इलाके में इस तरह का प्राइवेट स्कूल होना चाहिए. रोज बट करके एक संस्था है, क्या संस्था के माध्यम से गया 8-10 साल से ये काम कर रहे हैं. आज हजारों की संख्या में गया, अच्छा पढ़ाई हो रहा है. ये पढ़ाई करने के टाइम में उन्होंने एक बात बोला था कि हमको पहली से चौथी तक यहाँ पढ़ाएंगे, उसके बाद में पांचवी के बाद में सेंट मेरी में जाएंगे. सेंट मेरी में जाएगा, वहाँ पर खाना, उनका जो कपड़ा लता आना जाना सब, खाली बच्चा खाली घर पर सोने के लिए आएगा. ये हिसाब से यहाँ पर जो झोपड़पट्टी में गरीब लोग हैं, तो सब लोग यहाँ के सिरमंद है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए गए सर, इनके माध्यम से संस्था के माध्यम से हमने उनको बहुत सारे हेल्प किया कि आप पढ़ाओ बच्चों लोग का. हमारा अगर बच्चे अगर झोपड़पट्टी का कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमको भी इस बात का गर्व है. और उधर जाने की वजह से मुफ्त मिल रहे हैं स्कूल में, उनका सबका शिक्षण का सब ये साहित्य मुफ्त मिल रहे हैं, बच्चा खाली सोने के लिए आता है. अगर ये ऐसा अभी 8-10 साल से चालू है, आज कुछ लोग ने कोई भावी नगर से होने वाले
कोई बीजेपी के पदाधिकारी, तो उनका कहना है कि बाबा यहाँ पर अनलीगल स्कूल है, बंद करो। महानगर पालिका में पत्र दे दे के उन लोग को परेशान करके रखा। आज हमारा बच्चे हजार डेढ़ हजार बच्चे आज पढ़ रहे, मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर उनका कपड़ा नहीं, दफ्तर नहीं, रहना कुछ नहीं, खाना पीना सब उन लोग कर रहे हैं। सेंट मेरी, अगर ऐसे संस्था को आप अगर तकलीफ दे तो कैसे बात है। तो कुछ लोग समाज कंटक, कुछ लोग जाके वहाँ पर प्रशासन को जाके लेटर वाज करके बंद करा दो, अनलीगल स्कूल है, तो लोग पैसा खाता है, ये गलत हो रहा है। सभी आज सब जितने पालक है सब खड़े हैं, इनका माध्यम से आज ये संस्था अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, उस जगह पे हमने हमारा आदरणीय पालक मंत्री साहब, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से बात किया, सर अगर ये संस्था बंद होते महानगर पालिका के माध्यम से इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? कि जब कोपरखेड़े में चालू कर रहे हैं तुम लोग, वहाँ पर सिटी है, तुम लोग नेरल में चालू कर रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी बस्ती में चालू कर रहे हैं, वहाँ पर वो सिटी में चालू कर रहे हैं, कोपरखेड़े में चालू कर रहे हैं, वेंसोली में चालू कर रहे हैं, आप आयरोली में चालू कर रहे हैं, झोपड़पट्टी में हमने मांग कर करके परेशान होगा। झोपड़पट्टी में कि इंग्लिश पढ़ाई देकर बच्चों लोग का कैपेसिटी नहीं है क्या? आज ये गरीब लोग किधर जाएगा पढ़ने के इंग्लिश मीडियम? क्या हमने सर को बोला कि कल अगर ये संस्था बंद हो तो तुरंत हमको इंग्लिश मीडियम चालू होना चाहिए? ऑलरेडी महानगर पालिका पिछले 8 सालों से सपोर्ट कर रही है, तो आपको नहीं लगता है कि जब महानगर पालिका सपोर्ट कर रही है तो किसी और को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लम के बच्चे भी पढ़ने चाहिए? महानगर पालिका के पास ऐसा कोई इंतजाम फिलहाल नहीं है? नहीं, तो मेरा एक ही कहना है कि उस जगह पे बच्चे आज कहाँ पर जाएंगे? तो कल भविष्य बच्चों का भविष्य खराब होएगा, तो फिर दूसरे दूसरे में उनको एडमिशन किधर मिलेगी? नहीं, तो वो हमने मांग की है। आपको लगता है कि बच्चों को पढ़ाने का जो मिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और स्टेट गवर्नमेंट का है, दोनों चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक ऑलरेडी कानून इसीलिए लाया गया कि सभी गरीब घर के बच्चे पूरी की पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे में राजनीतिक फायदे के लिए अगर इस तरह के विद्यालयों को बंद कराने की साजिश चल रही है? मेरा एक ही कहना है, महानगर पालिका में जो भी संस्था यहाँ पर अच्छा पढ़ा रहे, इंग्लिश मीडियम हो, जो अच्छे अच्छे लोग सोचते आ रहे, उनको महानगर पालिका सपोर्ट करना चाहिए। उस जगह पे वो किसी का वजह से अर्जी करने चाहिए, अगर वो संस्था का स्कूल बंद करके उनको कुछ फायदा नहीं होने, महानगर पालिका आज मारण शासन ये केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पे सभी बच्चे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, फिर आप क्यों कर रही है? क्यों संस्था के स्कूल बंद कर रहे हैं? क्यों उनको बंद कर रहे, ये कर रहे हैं? किसी के कहने पर वो उनकी लायक ही नहीं उतना, उनका कहने पे आप स्कूल बंद कर रहे हैं? आज बच्चे कितने के, आज ये गरीब जनता है, आज उनका पढ़ाई मुफ्त हो रहा है, सब सेंट मेरी में हो रहा है मुफ्त। आज वो बच्चे लोग खाना नहीं पीना नहीं, सब पूरा स्कूल कॉलेज देख रहे सब। अगर ऐसा इस जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, उस जगह पे ये भूमिका नहीं लेना चाहिए? अगर उनको बोल के चलो संस्था को वहाँ पर भाड़ा ले लो थोड़ा बहुत, जो कुछ भी लेके उनको संस्था को चालू रखना चाहिए, लेकिन ये पब्लिक को इस बारे में तकलीफ देना ये गलत है। आपकी भाई आपकी भूमिका क्या है? आप क्या स्कूल बंद होने देंगे? मैं तो स्कूल तो चलो महानगर पालिका के माध्यम से तो बंद होने नहीं देंगे। हमने कहा रात को भी ये बंद नहीं होना चाहिए कि यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ रहे उनका लाइफ बन रही है, उस जगह पर होना चाहिए। एक तो उनको परमिशन देना चाहिए, दूसरी बात अगर आप लोग ये संस्था तो कर रहे, अगर महानगर पालिका ने भी अगर ये इस जगह पे अगर हिंदी इंग्लिश स्कूल अगर चालू करवाया, संस्था का भी चालू रहेगा, महानगर का पालिका भी चालू होगा। ये झोपड़पट्टी के लोग हैं, यहाँ पर गरीब परिस्थिति उनकी, उनको जब तक काम धंधा नहीं करेगा उनका पेट नहीं भरता है, ऐसी है झोपड़पट्टी में लोग में। अगर महानगर पालिका अगर इंग्लिश स्कूल चालू करेगा मुफ्त में और बच्चों लोग को इधर के सबको बच्चों लोग को अच्छा लगेगा, तुरबा का आज 1.5 लाख लोग बसती है, 1.5 या 2 लाख 6 वार्ड है यहाँ पर, और सभी वार्ड के सेंटर में स्कूल है। अगर इस जगह पे अगर महानगर पालिका में अगर सेम अगर हिंदी इंग्लिश स्कूल चालू कर देगा, हमको बहुत इस बात का गर्व होगा। तो आपको क्या चाहते हैं, इस विद्यालय चलता रहे? डेफिनेटली देर शुड बी नो क्लोजर ऑफ एनी स्कूल बिकॉज ऑल अवर एफर्ट्स, हमारा जो भी एफर्ट्स हैं पिछले कई सालों से, वो बंद नहीं होना चाहिए, कोई बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हैं? हम स्कूल चालू होना चाहिए क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम दूर दूर तो जा ही नहीं सकते, यहाँ है तो हम अपना घर बार भी देख सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, घर में भी थोड़ा शिक्षित कर सकते हैं बच्चों को, और बाहर गए तो बाहर आना जाना टाइम का वेस्टिंग। त्रिभुष्ट में ना मराठी इंग्लिश मीडियम ना पाइजे, मुझे पाइजे ताकि ना मैं त्रिभुष्ट में इंग्लिश मीडियम ना से
मुझे पता है पेरेंट्स के सिचुएशन, क्योंकि हम पेरेंट्स को बहुत क्लोजली बात करते हैं, उनसे डेली डेली हमारा कॉल चालू होता है, पेरेंट्स को हम जानते हैं, उनके बच्चों को जानते हैं। आज का सिचुएशन ऐसा है कि हर एक घर में अगर दो पेरेंट्स नहीं कमाएंगे उनका घर नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो गई है। तो आप सोचो इंग्लिश मीडियम का फीस कितना भरेंगे। मैं भी बाहर पढ़ी हुई हूँ, उनका डोनेशन फीस 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सिर्फ ऐसे ही जाता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम के लिए बाहर जाता है, उनका ट्रैवलिंग 20-30 रुपीज पर डे, सिर्फ जाने का और आने का 40-50 रुपीज उनका सिर्फ ट्रैवलिंग जाएगा, और उनके इतने पैसे कहाँ से लाएंगे स्लम एरिया के। स्कूल हमें चाहिए तो मतलब चाहिए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो हो गई है। हमारे हम सारे स्कूल से आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कंबाइन करिए या संस्था बंद मत कीजिए। जैसा सुना आपने, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनका कहना है कि ये विद्यालय भी चलते रहना चाहिए, भले ही महानगर पालिका नया विद्यालय अगर इंग्लिश खोलती है तो दोनों को, रोजबर्ड स्कूल और दोनों को कंबाइन करके यहाँ स्लम इलाके के बच्चों के लिए ऐसी बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उनका भी भविष्य कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले या जो शहरी इलाके के बच्चे, उन्हीं तरह से उनका भी भविष्य संवर सके। कैमरामैन विवेक के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।